नमस्कार, मेरा नाम है आरजी अंजलि, मैं हूँ रेडियो मिर्च से और आप मुझे देख रहे हैं मुजफ्फरपुर जनता की आवाज में। धन्यवाद। इस शो के प्रायोजक है माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। पुराने उपचुनाव को लेकर के सरगर्मी तेज हो गई है, प्रत्याशी अपने जनसंपर्क में लग गए हुए हैं। अभी हमें पुराने विधानसभा क्षेत्र के महादेव चौक पर और लोगों के जानते हैं क्या है उनकी राय, क्या सोचते हैं, कैसे प्रत्याशी होंगे, क्या सोचकर उनको वोट करेंगे, आइए हम बात करते हैं। कुछ नहीं है, अब विचार करें जिसको वोटिंग ज़्यादा हो उसी के देंगे, अभी कोई विचार नहीं है। अभी कोई विचार नहीं है? नहीं, बूथ पर जाएंगे जिसको देखेंगे वोटिंग ज़्यादा है उसी के देंगे। कैसे पता चलेगा आपको कि वोटिंग किसका है? हमारे लग में बूथ है, पता चल जाएगा जिसको ज़्यादा वोटिंग हो रहा है उसी के डाल देंगे। क्या पहले अच्छा काम किए थे क्या? आधार क्या होगा, वोटिंग का आधार क्या हो, क्या देखेंगे वोट के लिए? देखेंगे कि जहाँ वोटिंग ज़्यादा हो रहा है उसी को डाल देंगे। लोग जहाँ करेंगे, जो लोग जहाँ करेंगे वहाँ। हाँ, काम नहीं देखना है, कौन क्या काम किया? काम देखना, कामों देखना है कि ऐसे में किसको समर्थन करेंगे आप? अभी राय नहीं है, अभी राय नहीं है, वो नहीं देखेंगे, जिसको ज्यादा हो रहा है उसी पर डालेंगे। अच्छा, आप बताइए क्या मिजाज को रन्नी का? रन्नी का अच्छा मिजाज है। क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं, यहाँ तो आरजेडी है। क्या वजह, क्या आरजेडी के वजह? महागठबंधन क्यों, क्यों महागठबंधन क्यों? महागठबंधन क्योंकि सबसे बड़ी बात है, इससे पहले बीजेपी आए, महागठबंधन ने दोनों भाई वादे किए, तो बीजेपी का सरकार बना, वो अपना वादा नहीं निभा पाए। उसके बाद फिर महागठबंधन का सरकार बना, कुछ तो लोगों का आशा हुआ कि ये कुछ न कुछ बच्चों को और जितने पढ़े लिखे नौजवानों के हैं कुछ रोजगार मिलेगा, नौकरियाँ मिलेगी। इसके लिए हम लोग पूरे प्रयास में है कि आरजेडी का सरकार बने और बरकरार रहे महागठबंधन का। क्या नाम हुआ? विनोद कुमार। क्या कर रहे हैं आप, बोलिए ना सर। क्या सोच रहे हैं, उपचुनाव है, क्या कुछ सोच रहे हैं? यहाँ महागठबंधन का चलेगा, मनोज कुशवाहा पूर्व मंत्री। क्या वजह क्या है? वजह क्या, यहाँ बहुत विकास किए हैं, यहाँ पुल पुलिया रोड और सीरी घाट जो होता है छठ घाट बहुत, मतलब पूरे कुटंडी में बनवाए हैं लगभग, यही काम किए हैं, इसीलिए हम लोग इस बार उनको चुन रहे हैं। मनोज कुशवाहा जब मंत्री थे तो उस समय क्या किए थे कुरहनी के लिए? कुरहनी के लिए थे तो बहुत काम किए हैं, पूरे कुरहनी में काम किए हैं मनोज कुशवाहा, तो सारा लोग इस पर जात पात नहीं देखने जा रहा है, उस पर मनोज कुशवाहा फुल सपोर्ट करेगा 100%। और बीजेपी को कैसे देख रहे हैं? बीजेपी कहने का मतलब है वादा करती है बीजेपी और वादा निभाती नहीं है, इसलिए हम लोग को महागठबंधन से पूरा उम्मीद है। और तेजस्वी जो सरकारें हैं युवाओं को नौकरी के लिए वो अभी दे रहे हैं, वो गांधी मैदान से देखे हैं कि 10,400 कुछ लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं, इसलिए उनको पर पूरा भरोसा है युवा का। युवाओं का भरोसा है, नौजवान लोग सभी लोग का भरोसा है, करके भटक रहे हैं, पढ़ा लिखा व्यक्ति भटक रहे हैं, उन लोग का आशा है कि महागठबंधन का सरकार फिर रहे बरकरार, जो ताकि हम लोग का कुछ रोजगार मिले, नौकरियां मिले, इसी और शिक्षा में अच्छी शिक्षा का अथी भी किया जाए, ताकि शिक्षा का एक और ले लीजिएगा है। युवा हैं आप, युवा हैं आप, बताएं कि आप कैसे देखते हैं, क्योंकि देख रहे हैं दिन प्रतिदिन रोज देख रहे हैं, मतलब जो है सब कर ही रहे हैं ना। मनोज कुमार जी का जो महागठबंधन के है, जो मतलब तेजस्वी यादव जी है तो वो स्वास्थ्य मंत्री है ना, तो वो इससे पहले कार्रवाई कर, मतलब मुजफ्फरपुर में अभी यहाँ कुटनी विधानसभा से है ना, तो यहाँ से देखे सर, मतलब स्वास्थ्य के लिए बढ़ाए कुछ बढ़ावा करें, वो तो डायरेक्ट यहाँ आएंगे नहीं तो करेंगे ये बनाएंगे, इनको तो यही ना करवाएंगे। बीजेपी को वोट क्यों नहीं दीजिएगा? नहीं, उनको जो वादा जो करेंगे मतलब काम करेंगे उसी को ना, नरेंद्र भैया वही थे, मतलब जो हम लोग जो काम चाहिए, हम लोग नेता से क्या है, मतलब हम लोग काम चाहिए, मतलब युवा है तो वो बोल रहे हैं 10,00,000 नौकरियाँ तो ये देंगे ना, दे हैं शुरू किए हुए हैं, नेता है आ गए हैं। हाँ बाबा, क्या कुछ सोच रहे हैं चुनाव के लेके? चुनाव के लेके हम नहीं कहते, लालू भाई के वोट दे। क्या वजह क्या है? अरे देश आजाद कल फिर महात्मा गांधी है, गरीब के आजाद कल ही लालू भाई, तो उनका दे।
मनोज जी को तो काफी विरोध है क्षेत्र में, ऐसे में आप कैसे उनको समर्थन करेंगे? अलग है, बहुत बढ़िया इनका अथी बात। अच्छा तो आप किसको सपोर्ट करेंगे? लालटेन को? हाँ तो लालटेन तो यहाँ से नहीं है, तीरवा के करवाई। मनोज कुशवाहा केदार गुप्ता की अंतर है दोनों में? की अंतर चोरबा के नेता बा के हमने थोड़े वोट दे हम इनका के नोट दे की नाम बेलक बाबा गंगा राय जी क्या कुछ सोच रहे हैं? हाँ हम लोग महागठबंधन के पक्ष में है, सिपाही है हम लोग, महागठबंधन के लिए वोट मांग रहे हैं। और लगभग 10 वर्ष जो है थे मनोज कुशवाहा जी यहाँ के विधायक रहे, लोगों को मान सम्मान विकास दिए, और सबसे बड़ी बात है कि कुरहन्नी के इतना बड़ा सम्मान मिला कि इन्होंने जीता और कुरहन्नी में मंत्री बने। और विकास की बात है तो जहाँ सोलिंग था वहाँ जो है थे इन्होंने पिच कराने का काम किया और लोगों को सम्मान दिया। और महागठबंधन यहाँ जो है थे मनोज कुशवाहा जी जीत रहे हैं, और भाजपा कहती है कि जय श्री राम, तो उनका जो है से वजन है मात्र 100 ग्राम, आ यहाँ जो है से हम लोग कहते हैं सीताराम तो हम लोग का वजन है 900 ग्राम। तो यहाँ तो लड़ाइए नहीं है। और केदार गुप्ता जी है 5 वर्ष रहे घोरपराठ लेखा, जैसे खेत में जो घोरपराठ बउआता है उसी तरह बउआते रहे, उनको तो विकास से कोई मतलब रहा नहीं। और आज जो महंगाई बढ़ गया, हम लोगों की जो गठबंधन की सरकार था जिस समय कांग्रेस राजद सारे लोग साथ थे, उस समय गैस जो है थे 343 रुपया में मिलता था, आज मोदी जी के सरकार में भाजपा के सरकार में आज 1200 में जो है से गैस मिल रहा है। जो 60 रुपये 70 रुपये दाल मिलता था उसको जो है से भाजपा के सरकार में आज जो है से 160 रुपये 150 रुपये दाल हो गया। गरीबों का रोटी छीन लिए, गरीबों को किसानों को जो है से जीना हराम कर दिए, हम लोग किस आधार पर जो है से माने इनको जो है से वोट देने का काम करेंगे? अच्छा मनोज कुशवाहा लघु सिंचाई मंत्री थे उस समय, जी जी, किसानों के लिए सिंचाई के लिए क्या कुछ किए थे उस समय? मनोज कुशवाहा जी मंत्री बने और जितने भी स्टेट बोर्डिंग था उसको जो है से इन्होंने जो टूटा हुआ था उसको चालू कराने का काम किया। जाके देख लीजिए जहाँ भी स्टेट बोर्डिंग था सबों को जो है से इन्होंने चालू करवाया, उसके बाद इनको फिर मौका नहीं मिला, 2 साल मौका मिला। अच्छा बाबा क्या क्या बताइए सिंचाई की क्या स्थिति है किसानों के लिए? ठीक है, कैसे सिंचाई होती है? सिंचाई कैसे होती है? पानी पटा के होई जी, खाद से होई जी। बोरिंग कहाँ है? बोरिंग है, बगले में। मंत्री जो थे तो सिंचाई की पूरी व्यवस्था हो जानी चाहिए थी किसानों के लिए, सुखाड़ आ जाता है, अगर व्यवस्था होती, सुखाड़ नहीं आता क्षेत्र में, किसानों को परेशानी हो जाती है। मंत्री काल रहते हो क्या किए आपको? बहुत काम किए हैं। अनिल जी हमारे साथ है, आइए अनिल जी से बात करते हैं, समाज सेवी कार्यकर्ता है। बताइए क्या मिजाज है कुरहन्नी के? बहुत अच्छी मिजाज है कुरहन्नी की, मिजाज तो ऐसी है तो भारतीय जनता पार्टी को छुट्टी करने पर लगी हुई है। मीजा करो कैसे छुट्टी करेंगे? बड़का झूठा पार्टी को छुट्टी नहीं करेगा तो क्या जनता उसको सम्मान करेगी? आपके आपके माध्यम से कहना चाहते हैं बीजेपी के कोई भी नेता हो खुली चैलेंज करते हैं आपके चैलेंज से, अगर विकास की मुद्दा हो तो आके चरुआ में बता दे से हम विकास किए हैं, पूरे प्रखंड में विकास किए हैं, वो खाली रंगदारी बेईमानी और भ्रष्टाचार करने का काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी। ये कहते हैं केदार गुप्ता ये तो दलाल रखते हैं, 5-7 दलाल रख के ब्लॉक में पैसा सुलवाते हैं, कहते हैं से हम विकास करते हैं, आपके चैनल के माध्यम से खुली चुनौती देते हैं विकास क्यों है तो हमको बता दे। अच्छा मनोज कुशवाहा के दरवाजे पे जाते कितना सम्मान मिलता है? बहुत सम्मान मिलता है, आज तक जो भी गया, हम नहीं जो भी गया उनको सम्मान करके वो भेजते हैं। और मनोज कुशवाहा कहाँ कहाँ गए? मनोज पूरे प्रखंड में गए, शादी विवाह में पूरे में जाते हैं, आप बुलाइए आपके यहाँ भी जाएंगे, और ऐसे ऐसे सबके आप बुलाइए भोज खाने नहीं काम करने, वो जनता के नेता है, वो दलाल के नेता नहीं है, वो मनोज कुशवाहा दलाल के नेता नहीं, वो जनता के नेता है। किसके फेस पर वोट दीजिएगा आप? बस माननीय महागठबंधन नीतीश जी के फेस है, लालू जी का फेस है, तेजस्वी जी का फेस है। नीतीश जी पर आरोप है कि पलटू राम इधर से उधर जाते हैं, नहीं जाएंगे। वो बड़का झूठा पार्टी का आरोप है,
वो बड़का झूठा पार्टी का आरोप है, वो नीतीश जी का नहीं है, लालू जी का नहीं है। वो नीतीश जी के बदनाम करने के लिए भाजपा अपन साजिश रच रही है, उसके लिए वो बोल रहे कि तू पलटू राम है, कुछ राम है, वो कुछ नहीं, बहुत अच्छा नेता है वो। बाबा क्या चुनाव कैसे कीजिएगा, वोट देना है? वोट देने का है तो फिर ककरा कुछ बात जुगाड़ कहला कथी दिलती न अपने के कौन मेहमान है कुछ मनोज जी कथी दिलती न मनोज जी को ही क्यों वोट करेंगे क्षेत्रीय है केदार जी कथी दिलती न केदार बाबू गुप्ता जी केदार गुप्ता कथी दिलती गाँव में घूमे तैयार केदार गुप्ता अब बड़का बड़का नेता घूम रहा है केदार गुप्ता के समय पर आरजेडी का माहौल है, बीजेपी का माहौल नहीं है। क्या किए हैं आरजेडी जो उसके पक्ष में आप वोट देंगे? अभी तो काम बहुत जो भी किए हैं तो मैंने समाज के लिए अच्छा ही किए हैं। आप विकलांग हैं, आपको क्या मिला? हमको गाड़ी भी नहीं मिला है। क्या नहीं मिला अभी तक? क्या मिला तो हमको कुछ नहीं मिला है। फिर क्यों वोट दीजिएगा आप? नीतीश सरकार में क्या मिला? विकलांग है, विकलांग कोटा से क्या मिला? सरकार ने केदार गुप्ता कुछ दिए हैं ना, मनोज जी हमको दिए हैं। अच्छा, यहाँ तक कि उस समय जो है सो अच्छी था, शिक्षा मित्र का वाली था, मैट्रिक पास है, उस समय भी आश्वासन देते रहे हमको, जॉब नहीं हुआ अब तो उम्र भी ख़त्म हो गई, हमको कुछ नहीं दिए हैं, लेकिन जब समाज जिधर जा रहा है उसके हिसाब से हम जो है। आपको अनाज नहीं मिलता है? अनाज तो उस सर हमको सुबह से मिल रहा है, कुछ सुविधा मिलती है, वृद्धा पेंशन है ये मिलती है, मिलता है तो यही सरकार की योजना है, वो आपको मिल रहा है ना? ये तो मिल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? सुरेश। क्या माहौल है? माहौल अच्छा है, महागठबंधन के पक्ष में है। महागठबंधन ये क्यों? ये कि महागठबंधन जो है से अच्छा काम कर रहा है, जो हमारे महागठबंधन के नेता हैं नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, जो कहते हैं वह करते हैं, युवाओं को कहें कि हम रोज़गार देंगे तो रोज़गार देने का काम कर रहे हैं, सरकारी नौकरी देने का काम कर रहे हैं, जो बीजेपी के सरकार में जो भ्रष्टाचार था उसको बंद करने का काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोग महागठबंधन के पक्ष में हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रविंदर कुमार यादव है, मैं आरजेडी का जिला महासचिव हूं और वर्तमान जो विधायक थे यादव समाज के लोग काफी इनसे दुखी नजर आ रहे हैं। नहीं नहीं, ये सब बात गलत है, जैसे ये जो है थे बीजेपी के लोग जो है थे हवा उड़ा रहे हैं, यादव जो है थे तेजस्वी यादव और लालू यादव को जो है थे नेता मानते हैं, और हम लोग इतिहास देखे हुए हैं 90 के पहले कि हम लोगों को जाति को क्या सम्मान मिलता था, आज लालू यादव की सरकार हुआ तो गरीबों को सम्मान देने का काम किया, विकास किया, इस पर ये सब बात भरम में मत रहिए, सारे यादव एक हैं और सारे यादव महागठबंधन के उम्मीदवार शानदार जानदार और ईमानदार और लोगों के प्रति समर्पित उम्मीदवार मनोज कुशवाहा जी को सारा यादव वोट देकर और विजय बनाने का काम करेंगे, और यहाँ पूर्णिया में कोई लड़ाई नहीं है। जिंदाबाद, यहाँ जिंदाबाद। महागठबंधन में आप देख रहे हैं कि विभिन्न समाज के लोग निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरे हैं, जैसे सैनी समाज से, मुस्लिम समाज से, रायजी समाज से, तो फिर वैसे में कहीं ना कहीं तो देखिए रायजी समाज की बात कहते हैं तो जो रायजी के उम्मीदवार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं उनकी औकात का पता चल जाएगा 8 तारीख को कि उनके यादव समाज का वो वोट देते हैं। रहा जो है सहनी समाज के, तो सहनी समाज में 4 भागों में है। अब सहनी समाज बतावे कि उनका नेता अजय निषाद है कि मुकेश सहनी है कि शेखर सहनी है, माने इस ढंग से कि जो अभी नीलाब जी को जो है तो उम्मीदवार खड़ा किया गया है मुकेश सहनी के तरफ से, तो यहाँ तो हमारे हम पुरानी विधायक अनिल सहनी के प्रतिनिधि भी थे, वह अनिल सहनी हम लोगों के आरजेडी के साथ है, तो अब बतावे ना सहनी तो 4 भागों में बटा हुआ है, लेकिन हमें उम्मीद है
कि 60% सहनी का वोट अनिल सहनी के साथ लाएंगे, महागठबंधन के साथ लाएंगे और वो भी घूमेंगे और हम लोग महागठबंधन के उम्मीदवार मनोज कुशवाहा को जिता के भेजने का काम करेंगे। मुस्लिम का वोट एआईएम को मिलेगा? एआईएम तो वो तो जान रहा है, मुस्लिम लोग जो है हम भी क्षेत्र में घूमे हैं, आप भी जाइए पूछिए कि वो जो है बीजेपी का दलाल है, बीजेपी उसको खड़ा कराया है, इसलिए कि बीजेपी कहता है कि माई समीकरण है, लेकिन हमारे नेता तेजस्वी यादव कहते हैं कि मेरा पार्टी माई समीकरण नहीं है, ए टू जेड की पार्टी है और इसका प्रमाण आपको बोचहा में बताने का काम किया हम लोगों ने। और आज जो है से हम गोपालगंज भी जीतते और यहाँ भी जीते, लेकिन वहाँ जो है से वोट कटवा को एमआईसी के जो है से पार्टी को खड़ा करा करके वहाँ जो वोट काटने का काम किया उसे हम लोग हारे, लेकिन हम लोग वहाँ हारे नहीं, हम लोग वहाँ जीते हैं। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर, कॉल 9934753111।